राम राम किसान भाइयों, मैं अरविंद तुमार, आप देख रहे हैं एक खेती जानकारी यूट्यूब चैनल। किसान मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शिमला मिर्च तथा पतली मिर्च में डाईबैक की समस्या को कैसे कंट्रोल करेंगे। यह डाईबैक किसान मित्रों जब हमारी शिमला मिर्च में तथा पतली मिर्च में लग जाता है तो ये हमारी जो शिमला मिर्च तथा पतली मिर्च की फसल को बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाने का काम करता है। तो ये जानने से पहले जो किसान मित्र हमारे चैनल पर नए आए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि खेती बाड़ी से संबंधित और मंडी भाव की वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम हमेशा लाते रहते हैं और इस वीडियो को किसानों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसान मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं फोटो में, यह शिमला मिर्च में किसान मित्रों डाईबैक की समस्या आई हुई है। इसमें किसान मित्रों क्या होता है कि जो डंडी है पूरी किसान मित्रों जो हमारी शिमला मिर्च की तथा पतली मिर्च की किसान मित्रों गल जाती है। इसके कारण जो हमारा पौधा है वो किसान मित्रों नष्ट हो जाता है। किसान मित्रों, इस पे जो फल लगे हुए होते हैं वो भी किसान मित्रों डाईबैक की समस्या में आ जाते हैं, फल भी इसमें गल जाता है, जिसके कारण हमारा जो उत्पादन है बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। किसान मित्रों, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, ये भयंकर तरीके से आपकी शिमला मिर्च में डाईबैक आया हुआ है। और डाईबैक जब शिमला मिर्च तथा पतली मिर्च में लग जाता है तो ये हमारे उत्पादन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। किसान मित्रों, अगर डाईबैक के कंट्रोल की दवा मार्केट में बात करें तो पहली दवा का नाम है सिंजेंटा कंपनी की दवा आती है एम स्टार टॉप। इसका अगर हम टेक्निकल की जो हम बात करें तो इसमें एस्टो एस्ट्रोबिन 18.2% प्लस इसमें डाइफेंक्लोराजॉल 11.4% इसी फॉर्म में किसान मित्रों होता है। ये दवा किसान मित्रों आप शिमला मिर्च तथा पतली मिर्च में 20 ml प्रति टंकी के हिसाब से, या आप इस दवा को किसान मित्रों 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी शिमला मिर्च तथा पतली मिर्च में डाईबैक कंट्रोल करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। किसान मित्रों, दूसरी दवा की जब हम बात करें तो दूसरी दवा का नाम है एस्टो एस्ट्रोबिन 11% किसान मित्रों और प्लस टैब कोनोलाजॉल 18.3% इसी फॉर्म में किसान मित्रों आता है। इससे भी किसान मित्रों आप 20 ml प्रति टंकी के हिसाब से जो 15 लीटर वाली टंकी है उसमें मिलाकर इसे भी किसान मित्रों आप 250 से 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी शिमला मिर्च तथा पतली मिर्च में डाईबैक कंट्रोल करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। किसान मित्रों, मैंने जो दो दवाएं बताई इनमें से किसी एक दवा का प्रयोग करके आप अपनी शिमला मिर्च तथा पतली मिर्च से डाईबैक कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, जो मैंने दवा बताई इस साल अगर डाईबैक कंट्रोल करने के लिए ये दवा लगाते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी शिमला मिर्च तथा पतली मिर्च से एक अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब हो सकते हैं। तो किसान मित्रों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक अवश्य करें। फिर मिलता हूँ नई वीडियो में नए टिप के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।